हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक नया ऑफिस इंस्टॉल किया मैंने और ये है स्टार ऑफिस। यहाँ पे ये स्टार ऑफिस का कैल्क सॉफ्टवेयर जो है आपको कुछ इसी तरीके से दिखाई पड़ेगा। ऐसा ही आपको लीब्रा ऑफिस में भी दिखाई पड़ा था। ये गूगल द्वारा बनाया गया है स्टार ऑफिस, ठीक है। बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने एक्सेल यूज किया होगा, एक्सेल के जैसे ही है और ओपन ऑफिस कैल्क के बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ डेटा है, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और ये डेटा यहाँ पर पेस्ट हो गया, देख लीजिए यही डेटा है, ठीक है। अब इस डेटा के अंदर हमें क्या करना है, कैलकुलेशंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है। ये डेटा पहले देख लीजिए, ठीक है। डेटा तो आपको नजर आ ही रहा होगा, तो थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूंगा, यानी यहाँ से जा करके जो जूमिंग बहुत ज्यादा हो गई है उसको घटा दूंगा, 100% जूमिंग रखता हूँ इसकी। तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर टोटल कैलकुलेट किया गया है, कैसे कैलकुलेट किया गया है वो आपको बताता हूँ। पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, सारी चीजों को यहाँ से यहाँ तक पूरा डिलीट करना है हमको, एक ही बार में डिलीट कर लेते हैं। तो ये डिलीट भी कर दिया है। अब थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई पड़े कि सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। तो बस यहाँ से जूम करके और आ जाते हैं, 150 का रख देते हैं जूम की साइज। और यहाँ पर देखिए, आप देखिए टोटल करना है, कैसे टोटल करेंगे भाई, कोई भी ऑफिस हो ये है तो स्प्रेडशीट ही। स्प्रेडशीट किसे कहते हैं, रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से स्प्रेडशीट बनती है। तो देखिए इसमें रो भी है, कॉलम भी है, ये कॉलम है, ये रो है, तो बिल्कुल वैसा ही एक्सेल के जैसे ही है ये भी। तो चलिए इसमें भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू का निशान लगाते हैं, सम का फॉर्मूला लगाते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं और यहाँ से चले चलते हैं लास्ट तक, सेलेक्ट कर लिया B2 से लेके G2 तक सेलेक्ट हो गया। बंद करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे टोटल आ गया। आप यहाँ पे रख के डबल क्लिक करेंगे, सबका आ जाएगा। फिर एवरेज के लिए इज इक्वल टू एवरेज लगाएंगे इस तरीके से, और एवरेज लगाने के बाद जैसे ही हम टैब करने की कोशिश करते हैं, तो ये टैब यहाँ पर काम नहीं करता है, तो आपको मैनुअली ब्रैकेट ये लगाना होगा शिफ्ट दबा करके, और A9 नंबर का बटन आपको अल्फा न्यूमेरिक की दबाना होगा तभी ये ब्रैकेट ओपन होगा। फिर यहाँ पे क्लोज करने के लिए शिफ्ट दबा के 0 नंबर का बटन और एंटर करते ही आपका आ जाएगा। जैसे ही आएगा यहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिएगा, डबल क्लिक करने के बाद ये भी आ जाएगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम के लिए क्या कहानी है, हमें एक्स मैक्स लगाएंगे। मैक्स लगाने के बाद इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है, देखिएगा टोटल को नहीं सेलेक्ट करना, ये ध्यान रखिएगा। बंद करके एंटर करिएगा, यहाँ पर मैक्सिमम भी आ चुका है जैसा कि आपको दिखाई पड़ ही रहा होगा, ठीक है। अब ये सब मैक्सिमम आ जाने के बाद अब हमको क्या करना है, मिनिमम निकालना है। तो मिनिमम के लिए भी वही कहानी है, इज इक्वल टू MIN मिन, ब्रैकेट को ओपन करना है यहाँ पे सिंपल वे में इस तरीके से, और यहाँ से जाना है और ये सिलेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इसको बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो सबका आ जाएगा। अब ग्रेड की क्या कहानी है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा एवरेज के आधार। अब यहाँ पर ग्रेड जो है एवरेज के आधार पर कैलकुलेट होगा, तो इज इक्वल टू इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, इफ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इफ का फॉर्मूला लगाना है आपको, और यहाँ से क्या करना है, एवरेज को सेलेक्ट करना है। अगर ये एवरेज बड़ा हो या बराबर हो, जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा है, किसके, 85 के, तो यहाँ पर कौन सा ग्रेड आ जाए, यहाँ पर मैं कह देता हूँ A++ ग्रेड आ जाए, ठीक है। क्लोज किया, डबल कॉमा, फिर यहाँ कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे इफ लगाएंगे, फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इसे कहते हैं नेस्टेड इफ। कौन सा इफ, नेस्टेड इफ बोलते हैं इसको। ये इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 कर दिया, कॉमा लगाएंगे और डबल क्वोट कॉमा के अंदर, इसे इस फॉर्मूले के अंदर जब फॉर्मूला यूज होता है ना, तो इसे नेस्टेड फॉर्मूला या नेस्टेड इफ वाला फॉर्मूला यहाँ पे कहते हैं हम, ठीक है। जब फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला यूज होगा तो उसे नेस्टेड फॉर्मूला, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग नेस्टेड इफ लगा रहे हैं, तो यहाँ पे वापिस से वही चीज यहाँ पे हो जाएगा, ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड कर देते हैं, A+, ठीक है। तो ये A+ हो गया, और यहाँ पे फिर कॉमा देंगे, फिर यहाँ पे इफ लगाएंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और फिर यहाँ पे इसी एवरेज को ले लेंगे, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब क्या कहेंगे, अब कहेंगे 60, कॉमा लगाएंगे, डबल डॉट कॉमा के अंदर लिख देंगे कौन सा ग्रेड, तो यहाँ पे कर देता हूँ B+ ग्रेड, ठीक है। तो ये B+ ग्रेड हो गया, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ इफ कंडीशन देंगे। अब ये इफ के अंदर कई सारे इफ यूज हो रहे हैं, इसे नेस्टेड इफ बोलेंगे, ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको। इज ग्रेटर देन इक्वल टू किया फिर, और फिर हम क्या कहेंगे, हम आ चुके हैं 60 तक, अब हम आएंगे 50 तक और कॉमा लगाएंगे। 50 से कम वाले क्या फ्यूचर बनेगा उनका, उनका कोई फ्यूचर ही नहीं होगा, तो 50 से कम नहीं पाना है आपको, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो डबल क्वोट कॉमा में यहाँ पे कर देता हूँ ए ग्रेड, केवल ए ग्रेड कर दिया यहाँ पे 50 वाले का। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे
यहाँ पे कर देते हैं बी ग्रेड, केवल बी ग्रेड कर देंगे। और बी ग्रेड करने के बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। देखिए इफ में दो कंडीशन हो सकती है, या तो ट्रू की या तो फॉल्स की। अभी तक तो हम नेस्टेड लगा रहे थे, एक के अंदर एक लगा रहे थे, तो इस वजह से हमने दूसरी कंडीशन नहीं दी। अब ये लास्ट वाला इफ है तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन में दे देते हैं फेल्ड। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच ना करे तो वो बच्चा फेल हो जाए। तो कितने इफ लगे, एक दो तीन, तीन ही इफ लगे हैं। तो तीन बार इसको क्लोज करके एंटर कर दीजिएगा। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी होगी, यहाँ पर हर बार हम लोगों ने क्या यूज किया है, हर बार हम लोगों ने कॉमा यूज किया, तो कॉमा के जगह हमें यहाँ पर देना होगा सेमी कॉलन, सेमी कॉलन देना होगा। ठीक है, एक्सेल में कॉमा यूज होता है लेकिन यहाँ पर कहानी अलग होती है, यहाँ पर आपको सेमी कॉलन ही देना होता है। ओपन ऑफिस में भी कहानी सेम है, तो इन सब चीजों को जरा ध्यान देना है आपको, बाकी सब तो ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कॉमा लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी सेमी कॉलन। अब तो कहीं कॉमा नहीं लगा हुआ है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए इनका जो है 38% एवरेज है, 38%, तो ये बच्चा फेल है। और यहाँ से अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो उसके इसके अकॉर्डिंग सारा ग्रेड भी कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ये बहुत आसान है। अब देखिए इसमें जादू, देखिए जादू कैसे होता है। तो देखिए ये यहाँ पे हटाया मैंने, मान लीजिए कि इस बच्चे ने 89 गेन किया हो पहले सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे देखिए, और फिर यहाँ देखिए दूसरे सब्जेक्ट में कितना गेन किया हो, दूसरे सब्जेक्ट में 97 गेन किया हो, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे ग्रेड चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट जो अगला सब्जेक्ट है उसमें 70 गेन किया था, तो यहाँ पे देखिए बी प्लस ग्रेड आ रहा है ऑलरेडी, देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप देखिए पहले वाले सब्जेक्ट में आ जाते हैं, यहाँ पे 45 था इनका, तो ये 45 नहीं था 95 था, तो यहाँ पे 95 कर दिया। आप देखिए एवरेज ग्रेड मिनिमम मैक्सिमम सब ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए प्लस ग्रेड आ गया। तो ये बिल्कुल आसान है, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है।